सरकार दे रही है उद्योग लगाने के लिए 50 लाख रुपए, बिना किसी गारंटी के मिलेगा 50 लाख का लोन। भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना जो लोगों के सपने करेगी साकार, तो बिल्कुल ना हो परेशान, बस जान लीजिए सरकार के 50 लाख वाली योजना और उठा लीजिए अभी लाभ। सरकार सभी जरूरतमंदों को 50 लाख रुपए दे रही है, और सबसे खास बात, इसके लिए आपको किसी की भी जमानत की आवश्यकता नहीं है। ये खबर आपको अजीब भले लग रही हो, लेकिन खबर 16 आने सच है। यकीनन आप इस पूरी खबर को देखकर भलीभांति समझ जाएंगे कि आपको 50 लाख रुपए जितनी मोटी रकम कैसे मिलेगी। दरअसल सरकार की पीएम ईजीपी योजना से 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है, और सबसे खास बात, इस लोन को लेने के लिए कोई ज्यादा योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है। इस लोन के लिए कोई भी कक्षा 8 पास युवक आवेदन कर सकता है और भारत सरकार की इस योजना का लाभ ले सकता है। आज हम आपको सरकार की योजना के बारे में क्रमवार बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस योजना का हिंदी में मतलब प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम है, जो एक सरकारी लोन योजना है जो युवाओं को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने में मदद करती है। भारत सरकार की यह योजना खासकर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास में हुनर तो है लेकिन इतना रुपया नहीं कि वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर पाए। बस इसलिए सरकार उनकी सहायता करे ताकि युवाओं के साथ भारत भी आत्मनिर्भर के रास्ते पर आगे बढ़ पाए। अभी इस योजना को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए ये भी जान लीजिए कि इस योजना के तहत कितने से कितने तक का लोन दिया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से वस्तु निर्माण संबंधी कामों के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है, तो वहीं सेवा क्षेत्र से जुड़े बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। हम जिस 50 लाख के लोन की बात कह रहे हैं वो 1 जून 2022 से पहले 25 लाख था, यानी 1 जून के बाद इसकी लिमिट बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। तो वहीं इस तरह सेवा क्षेत्र से संबंधी कामों के लिए लोन लेने की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख प्रतिवर्ष कर दी गई है, और सबसे खास बात, इस लोन का 15-35% तक का हिस्सा सरकार खुद चुकाती है, जबकि इस लोन में आपको अपने बिजनेस की लागत का सिर्फ 10% हिस्सा खुद जमा करना होता है। महिलाओं और आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सिर्फ 5% ही खुद जमा करना पड़ता है। इसके बाद आपकी पात्रता के हिसाब से 15-35% तक का हिस्सा सरकार दे सकती है, तो वहीं बाकी का बचा हुआ हिस्सा बैंक की ओर से लोन के रूप में मिल जाता है। उसे आपको निर्धारित समय के भीतर किश्तों में चुकाना होता है। वैसे पीएम ईजीपी लोन भी बिजनेस लोन की तरह ही होता है, बस सरकार से सब्सिडी मिलने के कारण टोटल लोन की मात्रा कम हो जाएगी, इससे आपकी किस्तें कम पैसों की बनती है। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि इस तरह के लोन के लिए आपको कितनी मार्जिन मनी जमा करनी होगी। योजना के तहत अपने बिजनेस की जो लागत आप दिखाएंगे उसका 10% आपको भी अपनी तरफ से बैंक में जमा करना होगा लोन के संबंध में, इसे ही डाउन पेमेंट कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये सभी के लिए 10% ही होगा, बल्कि महिलाओं और आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए मार्जिन मनी केवल 5% रखी गई है। इनमें महिला SC ST OBC अल्पसंख्यक शारीरिक विकलांग पहाड़ी व सीमा क्षेत्रों के निवासी इत्यादि शामिल हैं। तो वहीं इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी प्रकार की जमानत की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए से अधिक के पीएम ईजीपी लोन के लिए केंद्र सरकार के ट्रस्ट की ओर से जमानत मिल जाती है। ये ट्रस्ट 50 लाख से लेकर 25 लाख तक के लोन पर जमानत का अधिकार रखती है, लेकिन ये जमानत उसी को देती है जो योग्य होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।